दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro और Realme XT के बीच में। दोस्तों बहुत सारे लोग Redmi Note 8 Pro खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग Realme XT खरीद चुके हैं, तो जिनको कन्फ्यूज़न है कि किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखो। इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। हमने लगभग हर कंडीशन पे फ़ोटो उठाए हैं, वीडियोस लिए हैं, तो ये वीडियो आप देखो, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाला है। वैसे अगर बात करूँ कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोनों फ़ोन में रियर कैमरा में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने को मिलता है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो रियलमी XT 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आता है और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फोटोज और वीडियोज की तरफ कि कौन से फोन में कैसी फोटोज और वीडियोज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से, आप देख सकते हैं रियलमी XT में थोड़ा सा क्रॉप होकर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे क्वालिटी दोनों की अच्छी है, आप बताओ आपको किस में ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेल्फीज़ की बात करें तो ये पहली फ़ोटो देख सकते हो, दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी अच्छे डिटेल कैप्चर कर सकते हो सेल्फी कैमरा से, और देख सकते हो यहाँ पे फेस में हल्का सा कलर में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। रियलमी XT हल्का सा कलर को यहाँ पर बूस्ट कर रहा है, जबकि रेडमी नोट 8 प्रो ने काफ़ी हद तक यहाँ पर नेचुरल कलर रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोटो जो है लगभग से सेम ही लग रहे हैं, और जो बैकग्राउंड में डिटेल्स है दोस्तों वो आपको लगभग सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर डायनेमिक रेंज को चेक करने की कोशिश करें तो यहां पे आप देख सकते हो स्काई जो है थोड़ी बेटर दिख रही है रियलमी XT में, जबकि रेडमी नोट 8 प्रो में यहां जो है स्काई थोड़ा सा व्हाइट हो गया है। अगर सेम फोटो को दोस्तों हम पोर्ट्रेट मोड ऑन करके देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है, बोके इफेक्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छी तरह से एज को डिटेक्ट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है एज डिटेक्शन में। एज डिटेक्शन दोनों ही फ़ोन की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आपको कलर में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। अब अगर अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो यहाँ भी आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में डिटेल है दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सेम ही लग रही है, और जो फेस में डिटेलिंग है दोस्तों वो भी आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन में हम लोग को सेम देखने को मिल रही है। हल्का सा फर्क आपको कलर में देखने को यहां पे भी मिलेगा। अब सेम फोटो को पोर्ट्रेट मोड ऑन करके अगर लें तो यहां भी आप देख सकते हो काफी अच्छा फोटो आया है ये भी, और यहां भी हम अगर देखें तो बैकग्राउंड जो ब्लर है दोस्तों दोनों ही फोन में काफी अच्छा आया है। अगर हम अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो ये वाली फ़ोटो देख सकते हो, ये HDR को ऑन करके रख लिया गया है दोनों ही फ़ोन से। यहाँ पे पीछे जो है सन दिख रहा था तो हमने सोचा कि HDR को ऑन करके लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सन है वो थोड़ा सा बेटर हम लोग को Realme XT के फ़ोटो में देखने को मिल रहा है। अब सेम फोटो को दोस्तों पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लिया गया है तो यहाँ भी आप देख सकते हो किस तरह की आपको डिटेलिंग देखने को मिल रही है। वैसे दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आगे बढ़ें हम तो ये वाली फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा डिटेलिंग दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो रियलमी XT ने थोड़ा सा कलर को यहाँ पे जो है अलग कर दिया है, थोड़ा सा रेड स्टोन हम लोग को देखने को मिल रहा है इस फोटो में। अगर सेम फोटो को हम पोर्ट्रेट मोड ऑन करके देखें तो यहाँ देख सकते हो यहाँ भी काफ़ी अच्छा एज डिटेक्शन है, एज डिटेक्शन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर जो है हमें थोड़े से रेड स्टोन देखने को मिल रहे हैं रियलमी XT में। वैसे अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाली फ़ोटो वैसे काफ़ी अच्छी आई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कलर टोन है वो लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरे फेस पे अगर देखो और यहाँ पे अगर देखो तो हल्का सा आपको जो है रेड स्टोन देखने को मिल रहा है। अब अगर सेम फोटो को हम पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फोटोज़ आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप ग्रुप में भी फोटो लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, और एज डिटेक्शन भी दोस्तों काफ़ी परफेक्ट लगा है दोनों ही फ़ोन का मुझे। तो कुछ इस तरह का फोटोज़ आप ले सकते हो फ्रंट कैमरा से, दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 19-20 का आपको फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन में दोस्तों आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं ये फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 FPS पे दोनों फ़ोन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको किस तरह की क्वालिटी दोनों फ़ोन में देखने को मिल रही है।
रियलमी एक्स टी देख सकते हैं, कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है, लेकिन रियलमी एक्स टी को देख के दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला वीडियो जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको चल के भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्वालिटी का आइडिया पता चले EIS कैसा है इस फ़ोन का। Redmi Note 8 Pro का फोकस चेक करते हैं, तो ये हो गया फोकस। हल्का सा टाइम ले रहा है इसको फोकस होने में। Realme XT का फोकस चेक करते हैं, बहुत फास्ट है। अब ये कुछ फोटोज़ देखिए दोस्तों, नॉर्मल मोड में लिया गया है, यहाँ पे किसी भी तरह का इफेक्ट लगाया नहीं गया है। तो आप देख सकते हो Redmi Note 8 Pro और Realme XT दोनों में ही काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है ये फोटो। यहाँ पे अगर आप फेस में देखोगे तो हल्का सा आपको कलर में फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिटेलिंग है दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वैसे Realme XT हल्का सा कलर को इस फोटो में बूस्ट किया है। अगर हम सेम फोटो को वाइड एंगल में देखें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का वाइड एंगल फोटोज जो है आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी बेटर जो है मुझे Realme XT की डायनेमिक रेंज लग रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे दोनों ही फोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हैं, बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है दोनों ही फोटो में, और जो फेस में डिटेलिंग है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ये वाला फोटो देखो, 64 मेगापिक्सल कैमरा को ऑन करके लिया गया है। पीछे मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, काफ़ी दूर से मैंने ये फोटो लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ही फोटो वैसे काफ़ी अच्छी आई है। अगर मैं आपको और भी ज़्यादा जूम करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि कौन से फ़ोन में हमें कितना ज़्यादा जूमिंग कैपेबिलिटीज़ मिलता है और जूम करने से कौन से फ़ोन का फोटो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है दोनों ही फ़ोन के फोटो को, और आप देख सकते हो दोनों में डिटेलिंग जो है लगभग सेम ही देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा मैंने जूम किया था। अब अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करने की है, जो Realme XT है उसने यहाँ पे देखो कलर को कितना ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। जो टी शर्ट का कलर है उसको भी बूस्ट कर दिया है, जो पत्ते हैं दोस्तों वो भी थोड़े बूस्टेड लग रहे हैं, जबकि Redmi Note 8 Pro में काफ़ी हद तक नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है। ये फोटो देखो दोस्तों, ये डायनेमिक रेंज चेक करने के लिए मैंने लिया था, काफ़ी दूर से सनसेट हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखो तो डिटेलिंग दोनों में काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। जो डायनेमिक रेंज है दोस्तों दोनों ही फ़ोन की इस फोटो में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब ये वाला फोटो देख सकते हो, यहां पे भी आप देखोगे एक चीज नोटिस करने की है, यहां पे भी Realme XT ने फोटो को थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है। वैसे फोटो की क्वालिटी दोनों ही फोन में आपको काफी अच्छी मिल जाती है, और सेम फोटो अगर वाइड एंगल में देखें तो यहां पे भी आप देख सकते हो जो Realme XT है उसमें हमें थोड़े बूस्टेड कलर देखने को मिल रहे हैं। अब अगला फोटो देखें तो यहां भी आप देख सकते हो जो फोटो है काफी अच्छी आई है। अब सेम फोटो अगर हम वाइड एंगल में देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो Realme XT हमेशा जितने भी फोटो मैंने खींचे हैं सब में थोड़े से कलर को बूस्ट कर रहा है, जबकि Redmi Note 8 Pro काफ़ी प्योर कलर रख रहा है। अब ये वाला फोटो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको कलर में हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा। जो Redmi Note 8 Pro है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो रोड का कलर है वो प्योर दिख रहा है, जबकि Realme XT में थोड़ा सा व्हाइटिश दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप पेड़ की तरफ ध्यान दें तो यहाँ भी आपको हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन जो डायनेमिक रेंज है दोस्तों वो बेटर Realme XT ने कैप्चर किया है यहाँ पे। अब अगर अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, ये फोटो वाइड एंगल में लिया गया है, सेम फोटो था वो जो पहले मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे भी आप डायनेमिक रेंज चेक कर सकते हो, Realme XT ने बेटर कैप्चर किया है। दोनों ही फोन से दोस्तों आप काफ़ी अच्छा फोटोज ले सकते हो रियर कैमरा से, दोनों ही फोन के रियर कैमरा काफ़ी अच्छे हैं। फर्क यही है कि Realme XT कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, जबकि Redmi Note 8 Pro जो है काफ़ी प्योर कलर रखता है। अब पोर्ट्रेट फोटोज़ को देख लीजिए, दोनों फ़ोन से आप काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट फोटोज़ भी ले सकते हो। जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफ़ी अच्छा है, एज डिटेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कलर टोन में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में देख सकते हो जो डिटेलिंग है दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन Realme XT ने कलर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में मेरा जो Realme XT और Redmi Note 8 Pro का कंपेरिजन था उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रोमा बूस्ट को ऑन करके लिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आप जो है क्रोमा बूस्ट को ऑन नहीं कर सकते जब आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो।
ये वाली फोटो में भी आप देख सकते हो जो नेचुरल कलर है ना वो आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल रहा है, जबकि Realme XT यहाँ पे कलर को बहुत ज़्यादा ही बूस्ट कर दे रहा है। अब ये वाली फोटो देखो, ये मेरे फेस को देख सकते हो, ये है Redmi Note 8 Pro में आपको ओरिजिनल कलर देखने को मिल रहा है, जबकि Realme XT यहाँ पे कलर को बूस्ट कर देता है। वैसे फोटोज दोनों ही फोन के काफी अच्छे आते हैं, यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है कि आपको किस तरह की फोटो ज्यादा पसंद है। अगर आप सोशल मीडिया रेडी फोटो लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो Realme XT के साथ में, और अगर आपको चाहिए नेचुरल फोटो तो आप Redmi Note 8 Pro के साथ जा सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कलर टोन में कितना ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। वैसे अगर एज डिटेक्शन की बात करूँ तो दोनों ही फोन में हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस वाली फोटो में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको फेस के कलर में फर्क देखने को मिलेगा, अगेन Realme XT यहाँ पे कलर को बूस्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको नेचुरल कलर चाहिए तो Redmi Note 8 Pro, और अगर आपको बूस्टेड कलर चाहिए तो Realme XT। वैसे दोनों ही फोन पोर्ट्रेट फोटो काफी अच्छा ले लेते हैं। मैक्रो फोटोज देख सकते हो दोस्तों, दोनों फोन से लिया गया है। वैसे काफी अच्छे मैक्रो फोटोज दोनों ही फोन से आ जाते हैं, डिटेलिंग भी दोनों फोन में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कलर्स की, तो हल्का सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। इस फोटो में इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है, आगे मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा डायनेमिक रेंज में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे Realme XT मुझे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है इस फोटो में। अगर हम अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा कलर में आपको फिर से फर्क देखने को मिलेगा। जो Realme XT है दोस्तों, उसने कलर को हल्का सा बूस्ट कर दिया है, जबकि Redmi Note 8 Pro ने काफ़ी हद तक नेचुरल कलर रखा है यहाँ पे। वैसे दोनों ही फोन में यहाँ पे जो है बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छी तरह से आया है। अब ये वाली फोटो को देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है दोस्तों वो मुझे नेचुरल, पूरे एकदम प्योर और नेचुरल लग रहे हैं Redmi Note 8 Pro में, जबकि Realme XT ने यहाँ पे थोड़ा सा कलर को फेड कर दिया है। अगर हम अगले फोटो की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली फोटो भी वैसे काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन यहाँ पे भी आपको हल्का सा कलर में फर्क देखने को मिलेगा। तो मैक्रो फोटोज दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटर मुझे Redmi Note 8 Pro का लग रहा है। और Redmi Note 8 Pro से आप थोड़े से और क्लोज से फोटोज को ले सकते हो। लोराइट फोटोग्राफी की बात करें तो दोनों ही फोन से काफी अच्छा फोटो आप ले सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरह के फोटोज आप दोनों ही फोन से ले सकते हो। लेकिन दोनों ही फोटो को अगर आप जूम करते हो तो आपको दोनों ही फोटो में काफी नॉइज देखने को मिलता है। अगर हम अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो ये वाली फोटो देख सकते हो, थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, देख सकते हो दोनों ही फोटो जो है काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है थोड़े से बेटर कलर Realme XT में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो डिटेलिंग है दोस्तों वो हमें हल्का सा बेटर Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ जो है हल्का सा ब्लर हो रहा है नंबर्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। अगर अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो ये फोटो दोस्तों लो लाइट में लिया गया है, फ्लैश लाइट को ऑन करके। यहाँ पे लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने फ्लैश को ऑन करके लिया है, पीछे थोड़ा सा लाइट था। तो देख सकते हो यहाँ पे Realme XT जो है थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ये वाली फोटो देख सकते हो, यहाँ पे Realme XT ने अच्छा काम किया है, कलर को काफ़ी हद तक जो है नेचुरल रखा है लो लाइट में। वैसे Redmi Note 8 Pro में हल्का सा यहाँ पे ब्राइट फोटो लग रहा है। अब इस वाली फोटो की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ही फोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हैं, दोनों में ही आपको डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इस फोटो में विनर चूज करना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर लो लाइट में सेल्फी की बात करें तो देख सकते हो इस वाली फोटो में मुझे थोड़ी बेटर जो है Realme XT देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ जो फेस में डिटेलिंग है दोस्तों वो थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में। अब अगर अगले फोटो की तरफ बढ़ें तो ये वाली फोटो देख सकते हो, यहाँ पे इस वाली फोटो में काफ़ी अच्छी फोटो आई है दोनों ही फोटो। तो यहाँ पे हल्का सा मुझे Redmi Note 8 Pro यहाँ पे बेटर लग रहा है। तो कभी Redmi Note 8 Pro बेटर आ जाता है तो कभी Realme XT। और इस वाली फोटो में अगर हम जूम करके देखें तो डिटेलिंग जो है दोनों ही फोन में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये वाली फोटो को देखो दोस्तों, ये काफ़ी लो लाइट में लिया गया है, यहाँ पे Redmi Note 8 Pro जो है थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और सेम फोटो को अगर हम स्क्रीन फ्लैश को ऑन करके लें तो आप देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो गई है, लेकिन अभी भी Redmi Note 8 Pro यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है दोनों ही फोटो में। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है Realme XT और Redmi Note 8 Pro के फ्रंट कैमरा से। आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क में हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं लाइट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ किसमें आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से लाइट की तरफ आ रहा हूँ और ये मैं लाइट के तरफ आ चुका पूरी तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसमें आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है।
ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लो लाइट में रात को रियर कैमरा से Redmi Note 8 Pro और Realme XT का, तो आप देख सकते हैं किसमें किस तरह की क्वालिटी आपको रात को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक फुल कैमरा कंपैरिजन Realme XT और Redmi Note 8 Pro के बीच में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन का कैमरा ज़बरदस्त है, दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों का ही मुझे ज़बरदस्त लगा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कलर्स में फ़ोटोज़ के थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। जो Realme XT है दोस्तों वो थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर के फ़ोटोज़ लेता है, थोड़े से कलर को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आई कैचिंग लगता है, जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्योर नेचुरल कलर चाहिए तो आप जो है Redmi Note 8 Pro को चूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपने फोटोज देख लिए, वीडियोस देख लिए, आप बताओ आप मुझे कमेंट में कि आपको कौन से फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और हमें बताना Redmi Note 8 Pro और Realme XT के बीच में और कौन कौन सा वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आने वाले अगले से वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।